So this topic is related to, second order differential equation and if we have a system of linear. पहले हम सिस्टम पे क्या कर लेते हैं, यू कैन ऑलवेज कन्वर्ट योर सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल सो लाइक वी हैव डिस्कस्ड इन द लास्ट लेक्चर कि सिस्टम का क्या मतलब है. पहले अगर हमारे पास एक इक्वेशन होती है डी वाई बाई डी टी, तो हमारा यहाँ पे क्या होता है, फंक्शन किसमें होता है, टी और वाई में. टी की आपको कोई रेंज दी जाती है कि आपका टी उसमें लाई कर रहा है और इस इनिशियल वैल्यू पे आपको, इस इनिशियल वैल्यू टी पे आपको वाई का आंसर दे दिया जाता है, वाई नॉट. तो यही आप बोलते हो दिस इज योर इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम. सिस्टम का क्या मतलब है, सिस्टम मीन्स यू हैव मोर देन वन इक्वेशन. तो यहाँ पे जैसे सिस्टम डी वाई बाई डी टी है, तो उसमें क्या होएगा कि सिस्टम है तो मेरे पास और इक्वेशन आ गई, तो क्या होएगा, डी जेड बाई डी टी होगा, ठीक है, क्या होएगा, डी डब्ल्यू बाई डी टी होगा, ठीक है, और चाहे कुछ भी लगा लो, डी क्यू बाई डी टी होगा, फाइन, ऐसे आपकी इक्वेशन बनेंगी. तो यहाँ पे जब आपका एक फंक्शन था टी और वाई में है, अगर सिस्टम होएगा तो यहाँ पे इक्वेशन जैसे आप कहते हो 2x² - 5x + 7 = 0, दिस इज वन इक्वेशन, इसमें वेरिएबल कितने हैं एक्स. जब आप सिस्टम की बात कर रहे थे तो आपने कैसे लिखा, 2x + 3y + 5z = 7 - 3x + 5y - 7z = 19, 20x - 19y + 14z = suppose your 100, यही स्टार्ट किया हमने. तो जब आपकी एक इक्वेशन में आपके सारे वेरिएबल्स आ रहे हैं एक्स वाई जेड, तो जैसे ही आप यहाँ पे सिस्टम की बात कर रहे हो तो पहली इक्वेशन में भी जिन जिन सिस्टम की बात हो रही है, जिन वेरिएबल्स की, तो वो सारे वेरिएबल आएंगे, ठीक है. ये एक फंक्शन है, ये एक इक्वेशन है, सेकेंड इक्वेशन अलग है तो उसको मैंने नाम क्या दे दिया, जी है. उसमें भी होगा क्या, टी होगा, वाई होगा, जेड होगा, डब्ल्यू होगा, क्यू होगा, जो जो आपके वेरिएबल्स आ रहे हैं. यहाँ पे मैंने कुछ और नाम दे दिया, एफ जी क्यू, मैंने आर नाम दे दिया, उसमें भी क्या होगा, टी वाई जेड डब्ल्यू क्यू. यहाँ पे एस फंक्शन जो होगा वो क्या होगा, टी वाई जेड डब्ल्यू क्यू, ठीक है. ये बन गया हमारा सिस्टम, क्योंकि इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है तो टी, क्योंकि सब में एनरोल हो रहा है और टी की रेंज हमेशा क्या रहेगी, ए से बी. तो मतलब अगर जेड, जैसे आपको वाई की वैल्यू दी गई है वाई नॉट, तो ऑब्वियसली जेड की भी दी जाएगी इनिशियल वैल्यू पे, तो वो क्या हो जाएगा, जेड नॉट. डब्ल्यू की हो जाएगी ए पे, क्या हो जाएगी, डब्ल्यू नॉट. एफ की हो जाए, सॉरी, क्यू की हो जाएगी फर्स्ट फंक्शन इस पे, तो क्या मैंने क्या दिया, क्यू नॉट. तो ये मेरा क्या बन गया, सिस्टम बन गया, ठीक है. जैसे हमने सिंगल के लिए सॉल्व किया था, हमने पहले टेलर नहीं है इसमें, सिर्फ यू हैव आइलर्स मेथड एंड योर आरके मेथड ऑफ फोर्थ ऑर्डर. जब हमने आइलर्स मेथड किया तो मैंने क्या कहा था, टी आई मेरा क्या, टी आई प्लस वन क्या होता है, टी आई प्लस एच. वाई आई प्लस वन क्या होता है, वाई को कैसे लिखते थे हम, टी आई प्लस एच, या कैसे लिख देते हो, वाई टी आई प्लस एच और वाई एट टी आई प्लस वन, जैसे मर्जी लिखो, सब पे सेम रहता है. सो दिस इज क्या था हमारा, फंक्शन की वैल्यू वाई की वैल्यू टी आई पे प्लस एच फंक्शन की वैल्यू किस पे, टी आई और वाई आई पे, यही था. और आई आपका क्या चल रहा था, आई इज फ्रॉम योर 0, 1, 2, 10. अगर हमने क्या करना है, अगर हम सिस्टम की बात कर रहे हैं तो सिस्टम के लिए टी जब हमारा सेम ही रह रहा है सब में, तो टी मेरा इसके लिए भी सेम रहेगा, फाइन. बट यहाँ पे क्या ऐड हो जाएगा, एक आपका जेड, जेड आई प्लस वन क्या हो जाएगा, वही जेड की वैल्यू टी आई प्लस एच पे. यहाँ पे क्या हो जाएगा, z की वैल्यू ti पे प्लस h टाइम्स z के लिए फंक्शन हम कैसे डिफाइन कर रहे हैं, दिस इज विद योर g. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सो यू हैव हियर z ti yi, क्योंकि आपके फंक्शन में और इन्वॉल्व क्या है, जेड भी इन्वॉल्व है, तो जेड आई की बात करोगे, डब्ल्यू आई की बात करोगे, और किसकी बात करोगे, क्यू आई की. सेम जेड टी आई
इनिशियल वैल्यू सबकी जेड आई डब्ल्यू आई क्यू आई। इज दिस क्लियर? ये आपका आईलर्स मेथड हो जाएगा। जेड वेरिएबल है और आपका कौन सा है डब्ल्यू। डब्ल्यू आई प्लस वन के लिए क्या हो जाएगा, डब्ल्यू की वैल्यू, डब्ल्यू वैल्यू एट टी आई प्लस, इसके लिए फंक्शन कौन सा लेके चल रही हूं मैं, आर। तो यहाँ पे कौन सा फंक्शन का नाम क्या आ जाएगा मेरा, आर पे चलेगा, आर टी आई पे वाई आई पे जेड आई पे डब्ल्यू आई पे और क्यू आई पे एंड सो ऑन। क्यू आई प्लस वन के लिए क्या हो जाएगा, वैल्यू एट क्यू टी आई प्लस क्यू टी आई वाई आई, सॉरी यहाँ पे फंक्शन हमारा है एस, जेड आई डब्ल्यू आई एंड क्यू आई। क्लियर है ये चीज? ठीक है, कुछ भी नहीं करना। जैसे हम आइलर्स के लिए नहीं चल रहे थे वो क्या, ये भी साथ ही बता दूं कि पहले इसकी एग्जांपल करें, पहले इसकी एग्जांपल। ओके, सो एग्जांपल इज दैट सॉल्व सिस्टम ऑफ इक्वेशन, सॉल्व सिस्टम ऑफ इक्वेशंस विद एच इज इक्वल टू 0.2 ऑन 0 to 0.4 एंड गिवन टू यू दैट इज वाई डैश equal to minus 3y plus 2z, z dash is equal to 3y minus 4z, this is y at 0 is equal to 0 and z at 0 is equal to 0.5. अब हमारा यहाँ पे सिस्टम क्या है, मेरे पास सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है। ठीक है, ये मेरा क्या होता है हमेशा टी नॉट, तो इसके लिए भी सेम ही चलेगा। ये क्या है टी नॉट, ये मेरी वैल्यू क्या होती है वाई नॉट, ये वाली मेरी वैल्यू क्या हो जाएगी फिर जेड नॉट। यहाँ पे कितने फंक्शन है, एक फंक्शन ये है, एफ फंक्शन ये है और जी फंक्शन ये है। हमने अगर आइलर्स मेथड लगाना है, यूज आइलर्स मेथड, तो इफ यू हैव टू यूज आइलर्स मेथड, अगर आपको आइलर्स मेथड लगाना है तो आपका क्या होएगा, पहले टी आई प्लस वन इज इक्वल टू योर टी आई प्लस एच, फाइन। अब आपका क्या हो गया टी आई, टी नॉट आई, पहले सबसे हम फर्स्ट स्टेप पे चलते हैं। फर्स्ट स्टेप मेरा क्या है, आई हैव एट फर्स्ट स्टेप मेरा टी नॉट कितना है, आई हैव टी नॉट एट जीरो, That means T1 मेरा क्या होगा 0 plus H, H आपको कितना गिवन है 0.2, तो आपका T1 कितना हो गया 0.2। Is it clear? आपको इसी पे वैल्यू निकालनी है 0 से 0.4 पे। पहले 0 पे तो ऑलरेडी गिवन है वैल्यू, 0 पे वैल्यू कितनी है y की 0, 0 पे वैल्यू z की कितनी गिवन है 0.5, हमने किस पे निकालनी है T1 पे, मतलब 0 plus H That is 0.2. तो अब पॉइंट वाई पॉइंट टू, या मैं लिखूं y is equal to 0 plus h, और आप लिख दो चाहे y1 और y at t1, both all are the same things. फिर वही फॉर्मूला लगाओ, y की वैल्यू किस पे चलेगी यहाँ पे, i कितना है यहाँ पे, i स्टार्टिंग लेके चल रहा ना, फर्स्ट स्टेप है, तो i कितना होगा 0, y1 तो निकाल रहे हो ना, y की वैल्यू t नोट पे प्लस h टाइम्स फंक्शन की वैल्यू t नोट पे और y नोट पे। अब फंक्शन में z भी तो है, उसको भी पुट करना पड़ेगा, तो उसके लिए हमारे पास क्या है, y नोट एज 0 एंड my z नोट इज 0.5, सो आई हैव दिस थिंग ऑल्सो एट
नॉट, क्लियर है ये चीज? ठीक है, वाई एक्स टी नॉट ऑलरेडी आपको कितना गिवन है, y जीरो पे कितना है, दिस इज जीरो एंड दिस इज 0.5 एंड सॉरी दिस इज जीरो एंड दिस इज 0.5, y एट टी नॉट कितना गिवन है जीरो, प्लस h आपका कितना है 0.2, फंक्शन आपका क्या है f, माइनस 3y प्लस 2z, माइनस 3y को क्या पुट करना है जीरो, z को क्या पुट करना है 0.5, क्लियर है? Yes or no? आंसर कितना आ जाएगा 0.2, this will be your zero, this is 1, 1 into 0.2 is your 0.2, clear है? Same, अब z के लिए निकाल लो, z क्या होगा मेरा, z 1 क्या होगा, y, z की वैल्यू मेरी 0.2 पे कहूं चाहे मेरी z की वैल्यू 0 प्लस x और z at t1, क्या होगा z की वैल्यू t0 पे प्लस फंक्शन अब कौन सा है मेरा, ये वाला जी, जी एट टी नॉट वाई नॉट एंड जेड नॉट, क्लियर? तो अब यहाँ पे जेड एट टी नॉट कितना है यहाँ पे जीरो, टी नॉट यही रहा, ये जीरो है, 0.5 है, एच मल्टीप्लाइड विद जी एच, so you have z t naught is given to you as 0.5 plus h is your 0.2, g में put करो, क्या put करना, this is 3 into 0 minus 4 into 0.5, so this will be your 0.5 plus 0.2 into कितना आ रहा है 2.0, अब आपका जेड वन आ गया, फिर आगे के लिए अब आपका क्या हो गया टी वन एट दिस स्टेप, टी वन मेरा कितना हो गया, टी वन इज माई 0.2, वाई वन मेरा कितना हो गया 0.2 एंड माई जेड वन इज -1.3, चेक कर लेना वैल्यू एक बारी, ठीक है, क्लियर हो गया? अब वाई की वैल्यू वाई टू पे और जेड टू निकालोगे ये 0.1 आया आंसर, तो दिस वैल्यू इज योर नाउ 0.1, सेम y2 निकालना है, y2 के लिए क्या होगा वही कि y2 मींस y की वैल्यू आपने किस पे निकालनी है 0.4 पे, क्यों, क्योंकि आपका t2 क्या हो जाएगा t1 plus h, that means 0.2 plus 0.2, तो वही वैल्यू y की वैल्यू 0.2 पे प्लस h टाइम्स फंक्शन की वैल्यू t1 y1 एंड z1, नाउ दिस इज योर 0.2, दिस इज योर 0.2 एंड दिस इज योर 0.1, यहाँ पे क्या होएगा z की वैल्यू 0.4 पे, z की वैल्यू 0.2 पे प्लस h टाइम्स z, सॉरी जो फंक्शन आपका जी है उसकी वैल्यू टी वन पे वाई वन पे और जेड वन पे निकालोगे, फाइन, सो दिस इज योर आइलर्स मेथड फॉर योर सिस्टम ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ऐसे अगर आपकी इक्वेशन मेथड सिंपल के लिए किया था, लाइक वी हैव डन इट फॉर द सिंपल, सिंपल के लिए मेरा फॉर्मूला क्या था कि अगर मेरे पास इक्वेशन है डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ टी वाई, और मेरा क्या गिवन था, टी मुझे गिवन होता था ए और बी के बीच में,
एंड आई हैव वाई एट ए इज माई वाई नॉट, तो हम फॉर्मूला क्या बना देते थे, मैं फॉर्मूला क्या बनाती थी, आई कैलकुलेट माई टी आई, तो हमारा क्या रहता था, टी आई प्लस वन क्या रहता था, टी आई प्लस एक्स, के वन निकालते थे, के वन क्या होता था, फंक्शन की वैल्यू मेरी किस पे, टी आई और वाई आई पे, के टू एच मल्टीप्लाई, एच मल्टीप्लाई फंक्शन की वैल्यू किस पे, टी आई प्लस एच बाय टू पे, वाई आई प्लस के वन बाय टू पे, के थ्री क्या निकाला था, एच, फंक्शन की वैल्यू टी आई प्लस एच बाय टू पे, वाई आई प्लस के टू बाय टू, के फोर एच टाइम फंक्शन वैल्यू है टी आई प्लस एच एंड वाई आई प्लस के थ्री, और वाई आई प्लस वन में क्या बोलती थी, फंक्शन की वैल्यू मेरी टी आई पे, प्लस वन बाय सिक्स के वन प्लस टू के टू प्लस टू के थ्री प्लस के फोर, यही होता था, सेम ही आपका चलेगा। अब मेरा क्या बन गया, मेरा सिस्टम बन गया, इसका मतलब मेरा डी जेड बाय डी टी भी है, मेरा डी डब्ल्यू बाय डी टी भी है। मैं सिंपल के लिए तीन के लिए बता देती हूँ, यू कैन एक्सटेंड इट, फाइन। यहाँ पे कुछ फंक्शन बनेगा जी टी वाई, अब इसमें भी क्या इन्वॉल्व होएगा, जेड भी और डब्ल्यू भी। यहाँ पे मैंने फंक्शन बनाया का, इसमें क्या होगा, टी भी होगा, वाई भी, जेड भी और डब्ल्यू भी। सेम ऊपर वाले में भी चेंज क्या हो जाएगा, आई विल हैव जेड एंड डब्ल्यू ओवर हियर, ठीक है। अब जो आपके के निकले, के आपको सबके के निकालने पड़े, के एफ के लिए भी, के जी के लिए भी, के आर के लिए भी, फॉर्मूला सबका क्या रहेगा, वन। निकालोगे तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं, पहले K1 की बात करें, ठीक है, आई एम राइटिंग इन द सिंपलेस्ट फॉर्म की आप समझ सको, K1 की बात करें तो K1 यहाँ पे किसमें स्प्लिट हो जाएगा, K1 मेरा F के लिए निकलेगा, K1 मेरा G के लिए भी निकलेगा और K1 मेरा R के लिए भी निकलेगा, क्लियर है, इन फंक्शंस के लिए निकलता है ना, वही वैल्यू रहेगी। यहाँ पे क्या हो जाएगा, फंक्शन की वैल्यू टी आई पे, वाई आई पे, जेड आई पे और डब्ल्यू आई पे, के वन जी, फंक्शन क्या हो जाएगा, बस फंक्शन यहाँ पे एफ की जगह क्या आ जाएगा, सेकंड वाला फंक्शन, क्लियर हो रहा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, जी की वैल्यू टी आई पे, वाई आई पे, जेड आई पे, डब्ल्यू आई पे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे डब्ल्यू आना था, टी फंक्शन, चलो ठीक है, आर यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर टी आई के लिए, वाई आई के लिए, जेड आई के लिए और डब्ल्यू आई के लिए, क्लियर है ये चीज, यस और नो। के टू की वैसे सबके लिए निकालोगे, निकालोगे कि लिख के बताऊं कैसे निकलेंगे, ठीक है। के टू में भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे टी आई प्लस एच बाय टू, बट थोड़ा सा फर्क आएगा, K2 बता देती हूँ, K3 खुद कर लेना। सो बट यू विल हैव फॉर K2, K2 फिर स्प्लिट हुआ, क्या निकलेगा, K1 K2 F के लिए, K2 सेकेंड इक्वेशन के लिए, K2 लास्ट वाली इक्वेशन के लिए। अब यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू कहाँ पे, टी आई प्लस एच बाय टू, यहाँ पे वाई आई प्लस के वन बाय टू कर रहे थे, क्योंकि ये वाई का है तो यहाँ पे क्या आएगा, के वन एफ बाय टू। जेड आई के लिए आपने क्या निकाला, जी, अगर इसमें कंफ्यूजन लग रहा है तो ये वाई जेड डब्ल्यू के लिए कर लो, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जेड आई प्लस के वन किसका, जो जेड का निकाला आपने, मतलब ये डिवाइड बाय टू, डब्ल्यू आई प्लस के वन किसका, डब्ल्यू का, डिवाइड बाय टू। सेम आपका फंक्शन किसके लिए चलेगा, जी के लिए, सेम फंक्शन किसके चलेगा, आर के लिए, इज इट क्लियर। तो मतलब इसके लिए फंक्शन कौन सा होगा, फर्स्ट वाला फंक्शन, सेकंड, थर्ड, इसमें सब्स्टिट्यूशन के टाइम फर्स्ट फंक्शन, सेकंड फंक्शन, थर्ड फंक्शन, द सेम यू कैन कैलकुलेट योर के थ्री एंड सेम यू विल कैलकुलेट फॉर
के फोर लिखूं, अब के थ्री और के फोर के क्लियर हो गया, फाइन। एग्जाम्पल करें, तो दिस कैन अप टू जितना भी आपका सिस्टम होगा, बट इतना बड़ा सिस्टम आएगा नहीं, ठीक है, बट स्टिल आई हैव गिवन यू इन द नोट्स व्हिच विल आई प्रोवाइड, आई हैव राइटेड इट रिटन फॉर योर एन टर्म एन इक्वेशंस, सो यू हैव टू सेम दैट सेम सिस्टम, आई हैव क्वेश्चन, वी हैव सेम सिस्टम, y डैश इज माय माइनस 3y प्लस 2z एंड योर z डैश इज 3y माइनस 4z and same y at 0 is given as 0 and z at 0 is given as 0.5 and your step size h is 0.2 and you have to evaluate in this 0 to 0.2 using RK fourth order. Same, ye mera kya hai? T naught, ye mera kya hai? Y naught. This will be same value, the same way. And this will be my z node. ये मेरा function क्या है? F. ये मेरा function क्या है? G. ठीक है? इसमें मेरा मैंने T या H introduce नहीं किया हुआ, ठीक है? अगर वो भी हुआ है तो वो that can also substitute. Values ही substitute करके तो आप initially लेके चलोगे. जैसे last में कर रहे थे ना कि मेरे पास values भी थी. अगर ऐसे आ जाए 2ty plus e raised to the power z upon t square plus e raised to the power z, तो t की जगह पे आपने क्या करना है, initial value वाली y की जगह जो आपको y not given है, z की जगह जो आपको z not given, yeah? So this firstly हम क्या करेंगे, वही हमारा t not हमें given है, तो मेरा t1 क्या होगा, t not plus h, that will be my 0 plus 0.2, so I have 0.2. Now I have y note at this step is 0, z note at this step is my 0.5. The same confusion नहीं होता, तो जैसे मैंने step function बनाया तो आप ऐसे ही बना लिया करो. K1 किसके लिए निकालोगे? K1 एक y के लिए, और K1 किसके लिए निकालोगे? Z के लिए, ठीक है? Same, K1 y value वही, x time फंक्शन की वैल्यू, यहाँ पे भी एच आना था, मैं चाहूंगी, सो यू हैव एच ओवर हियर, था ना मल्टीप्लाई एच, ठीक है, सो यू हैव दिस थिंग 0.5, बट यू विल हैव के वन एच टाइम्स, यहाँ पे मेरा फंक्शन हो जाएगा जी, फंक्शन की वैल्यू टी नोट पे, वाई नोट पे, जेड नोट, g की वैल्यू t नोट पे, y नोट पे एंड z नोट पे. t नोट आपका क्या है अभी, 0, y नोट क्या है, 0 एंड z नोट इज योर 0.5. निकाल लोगे सो दिस वैल्यू इज कमिंग आउट टू बी योर 0.2 और ये आपकी वैल्यू आ रही है -0.4, ठीक है. नेक्स्ट हमारा टास्क क्या है, नेक्स्ट हमें क्या निकालना है, k2 क्या हो जाएगा मेरा, k2 वाई का और k2 जेड का, ठीक है. फंक्शन में अब क्या पुट करना है, वही टी नॉट वाई नॉट जेड नॉट सॉरी प्लस एच बाय टू, एच टाइम्स टी नॉट प्लस एच बाय टू एंड वाई नॉट प्लस के वन किसका, वाई का बाय टू, जेड नॉट प्लस के वन किसका, जेड का बाय, ठीक है. दिस थिंग एच जी पे ये वाली वैल्यूज अंदर वाली सेम रहेगी, टी नॉट वाई नॉट प्लस के वन वाई बाय टू एंड दिस इज जेड नॉट प्लस के वन जेड बाय टू, ठीक है. टी नॉट प्लस एच बाय टू निकालोगे क्या होगा, 0 प्लस 0.1 y नॉट प्लस के वन बाय टू, के वन आपका कितना है 0.2 बाय 2, ठीक है. तो दिस वैल्यू इज कमिंग आउट टू बी योर तो दिस वैल्यू इज कमिंग आउट टू बी योर 0.06 एंड दिस वैल्यू इज कमिंग आउट टू बी योर -0.18.
फिर हमने क्या निकालना है, K3 वही मेरा क्या है, K1 किसके लिए निकालना है, K3 वाई के लिए एंड K3 जेड के लिए. सो दिस विल बी सेम एट फंक्शन की वैल्यू, दिस विल बी एट जी फंक्शन की वैल्यू. टी नॉट प्लस एच बाय टू यहाँ पे क्या आ जाएगा, वाई नॉट प्लस के टू किसका, वाई का बाय टू, जेड नॉट प्लस के टू जेड बाय टू एंड दिस विल बी सेम. सो यू विल हैव दिस आंसर एट 0.146 एंड दिस इज योर माइनस 0.31. K4 will be same, K4 your y and K4 is for your z. This is your h function, h into f function. This is t naught plus h, y naught plus. क्या होता है y naught plus? K3 y का, z naught plus K3 z का. The same you have g function, same चलेगा. So you will have answer as 0.0116 and this you have minus 0.0644. Next, yi plus 1. That means yi plus 1 कहूँ है या मैं कहूँ y1 क्योंकि i हमने 0 रख रखा है, या मेरी y की वैल्यू t1 पे, या मैं कहूँ y की वैल्यू t0 पे, वो हमारी क्या होगी, y की वैल्यू मेरी t0 पे प्लस 1/6 K1 प्लस 2K2 प्लस 2K3 प्लस K4. क्योंकि आप y की बात कर रहे हो तो यहाँ पे कौन सा k आएगा, y का. ठीक है, क्लियर. सो यू विल हैव दिस आंसर है, दिस इज 0.1001 एंड योर जेड आई प्लस वन और यू कैन से जेड वन, ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, जेड टी नॉट प्लस 1/6 K1 प्लस 2K2 प्लस 2K3 प्लस K4 किसका आएगा यहाँ पे, जेड का. सो यू विल हैव दिस आंसर एट 0.2593. क्लियर, फाइन, आसान था. बस अब देख लेना कि मतलब अगर आपको आरके आ गया तो इसमें कुछ भी नहीं कर सकते, आपका फंक्शन ही चेंज हो रहा है, सब्स्टिट्यूशन कर रहे हो. सेम अगर आपको आगे 0.4 पे, तब उसके लिए आपका 0.4 के लिए आपका क्या हो जाएगा, t1 अब का आपका कितना है 0.2, y1 कितना हो जाएगा 0.1001 एंड एट दैट नेक्स्ट स्टेप योर z1 विल बी 0.2593. टी नॉट मैं यही तो कह रही हूँ कि दिस यू हैव इन लॉन्ग क्वेश्चन. ठीक है, आपको लेंथी क्वेश्चन में ही आएगा, इसका बड़ा क्वेश्चन नहीं बनेगा, इतनी बड़ी बड़ी वैल्यूज के लिए आएगा नहीं. ठीक है, मतलब एक ही पॉइंट के लिए निकालने के लिए बोला जाएगा. ठीक है, सिस्टम होएगा. नेक्स्ट, सिस्टम में किसी को डाउट हुआ, 1/6 इज इन द फॉर्मूला. ठीक है, द डेरिवेशन इज नॉट इन योर सिलेबस, इसीलिए मैंने वो करवाई नहीं. ठीक है, सो दिस इज इन द फॉर्मूला. सिस्टम क्लियर है, सिस्टम क्लियर है. अगर आपको सिस्टम समझ आ गया तो सेकंड ऑर्डर आपने कर लिया. ठीक है, मैं करवा रही हूँ, इट डज नॉट मीन आई एम नॉट डूइंग. तो नेक्स्ट इज सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन. अगर जैसे आपको गिवन है तो सेकंड ऑर्डर के लिए गिवन है. सेकंड ऑर्डर मींस आपका फंक्शन कैसे गिवन है, वाई डबल डैश सेकंड डैश. सेकेंड ऑर्डर का मतलब यही हुआ, वाई डबल डैश में क्या होगा, वाई भी होगा वाई डैश भी होगा और टी तो वही है क्योंकि इनिशियल वैल्यू के लिए बात करें, टी आपका यही लाई करा
और क्योंकि आपका क्या है ये डबल और डेरिवेटिव है, तो आपको वाई की वैल्यू इस पे भी गिवन होगी और वाई डैश की वैल्यू भी होगी। क्लियर है ये चीज? ये होता ऑलवेज तो मैं इसमें जस्ट जनरल थोड़ा बता रही हूँ, एग्जांपल होंगे तो क्लियर हो जाएगा। हमेशा ही आप क्या करोगे, यू टेक टी वाई बाय, अगर टी की फॉर्म है टी वाई बाय डी टी, एक नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर दोगे जेड, ठीक है? क्योंकि आपने डी वाई बाय डी टी को कह दिया जेड, एक इक्वेशन तो आपकी यहीं से ही बन गई, ठीक है? ये आपका डबल डेरिवेटिव है। डबल डेरिवेटिव क्या टी वाई बाय डैश, डबल डेरिवेटिव बन जाएगा। तो यहाँ पे आपका ये क्या हो जाएगा, बट विल बी माई डी टू वाई बाई डी टी स्क्वायर, जेड डैश नहीं हो जाएगा वो, फाइन। तो इसका मतलब ये वाला फंक्शन मेरा क्या बन जाएगा, जेड वाई डैश को किससे रिप्लेस कर, जेड। तो आपका सिस्टम ही नहीं बन गया, डबल डेरिवेटिव करते हैं एग्जाम्पल तो और क्लियर हो जाएगा। हमेशा ही एग्जाम्पल इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, दिस इज गिवन टू यू। थोड़ी मुश्किल वाली है, वैसे ये पहले वाई डबल डैश है, दिस इज इक्वल टू योर वन प्लस टी स्क्वायर इनटू वाई, दिस वाई एट जीरो इज गिवन टू एज आंसर वन, एंड वाई डैश जीरो इज गिवन एज आंसर जीरो, एंड योर टी इज बिलोंगिंग टू 0 to 0.4, एंड यू हैव गिवन You have to solve it by RK method with h is equal to 0.2. Compute y at 0.2 and y at 0.4. Now we have second order differential equation. मैंने हमेशा क्या कहा है कि second order को हमने क्या करना है, फर्स्ट ऑर्डर को मैंने क्या ले लेना, नया वेरिएबल बना दो डी वाई बाई डी टी, क्या बन गया मेरा जेड ले लू, ठीक है? तो यहां से आपका डी टू वाई बाई डी टी स्क्वायर, तो ये मेरा क्या होएगा डी टू वाई बाई डी टी स्क्वायर, दैट विल बी माई जेड डैश, और ये मेरा बेसिकली क्या हुआ वाई डबल डैश किसके इक्वल हो गया जेड डैश के। जेड डैश मीन्स डी जेड बाय डी टी, और चाहे लिखो जेड डैश दैट विल बी इक्वल टू योर दिस वन प्लस टी स्क्वायर वाई, यहाँ पे वाई डैश नहीं था इसीलिए वाई लिखा। अब इनिशियल वैल्यू के लिए मुझे चाहिए, मुझे ये तो दे ही रखा है कि वाई की वैल्यू जीरो पे मेरी वन है, क्योंकि आपने वाई डैश को क्या कह दिया जेड डैश, तो जेड एट जीरो क्या हो गया मेरा जीरो। अगर आपने वाई
निकालोगे क्या करके बताऊं? सो यू विल हैव, मैं एक और कॉम्प्लेक्स इक्वेशन को सॉल्व करके दिखा दूंगी. 0.2 इज आंसर एज 1.0202, योर जेड और यू कैन से वाई डैश, जेड 0.2 को चाहे वाई डैश 0.2, दिस विल बी योर 0.0404. नेक्स्ट एक छोटी सी वो है, मतलब हम एग्जांपल वो है कन्वर्ट कैसे करना है. So you have equation d to theta by dt square plus g by l sine theta equal to your zero. Theta at zero is given by pi by 6 and theta dash zero is given to थीटा बाय डीटी स्क्वायर. मतलब टी तो आपका वही है, वाई की जगह अब आपको यहाँ पे कीमन क्या है, ठीक है? मतलब इक्वेशन आपकी बेसिकली क्या बन रही है, डी टू वाई बाय डीटी स्क्वायर प्लस जी बाय एल साइन वाई इज इक्वल टू योर जीरो. तो अब आप इसको सॉल्व करना है, आपको आर के मेथड ही लगाना है, ठीक है? आर के मेथड आपको लगाना है और आपको कंप्यूट करना है. पॉइंट एच आपको लेना है 0.1. You have to evaluate the value at theta 0.1. ठीक है, अब वही करने, क्योंकि सेकंड ऑर्डर हमें नहीं पता कैसे सॉल्व करना है. मैंने हमेशा क्या कहा है कि फर्स्ट डेरिवेटिव को हमने क्या मान लेना है, कोई भी नया वेरिएबल. क्या यहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव कौन सा था, डी थीटा बाय डी टी. मेरा क्या हो जाएगा, आई विल हैव डी थीटा बाय डी टी. मैंने नया वेरिएबल मान लिया, कोई भी मान लो जेड, ठीक है? So you have one equation is this. यहां से जब d2 by d theta t square करोगे, so you will have dz by dt. इस equation को solve करोगे, वहां पे लेके जाओगे, so you will have minus g by l sin theta. ठीक है, तो आपके पास नई equation एक और क्या बन जाएगी, dz by dt is equal to your minus g by l sin theta. ठीक है, अब आपके पास वेरिएबल कौन से है, थीटा और जेड. थीटा की वैल्यू जीरो पे आपको ऑलरेडी गिवन है पाई बाय सिक्स, एंड थीटा डैश गिवन है, इसका मतलब जेड एट जीरो मेरा क्या हो जाएगा. ये निकाला वाई आपका क्या है, यहाँ पे आपका क्या है, बेसिकली दिस इज योर वाई नॉट, दिस इज योर, सॉरी दिस इज योर टी नॉट, एंड दिस इज ऑब्वियसली योर टी नॉट. यहाँ पे आपकी वैल्यू क्या है, वाई नॉट. ये आपका क्या है, जेड नॉट. वाई एट टी वन, यार निकालो वाई एट टी वन प्लस एच. कैसे निकालते हो, टी नॉट प्लस एच क्या होता है, आर के मेथड से वाई की वैल्यू टी नॉट पे प्लस वन बाय सिक्स के वन प्लस टू के टू प्लस टू के थ्री प्लस के फोर. क्योंकि आपका वाई और जेड में है, तो सिमिलरली आपका के भी किसके लिए निकलेगा, वाई और जेड के लिए, जैसे हमने लास्ट में किया, ठीक है? सेम जेड के लिए, जेड कैसे होएगा, जेड एट टी वन आपका क्या होगा, वही जेड की वैल्यू टी नॉट पे प्लस वन बाय सिक्स के वन जेड
प्लस टू के टू जेड प्लस टू के थ्री जेड प्लस के फोर, फॉर्मूला वही है। ठीक है, सब्सटीट्यूट करना है, डी वाई बाय डी टी बन गया, फॉर्म आपकी है डी जेड बाय डी टी बन गई, बस यही फर्क बना है। आपकी सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर में कन्वर्ट हो गया एंड यू हैव नाउ एक इक्वेशन की जगह यू हैव सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। क्लियर हो गया? एनी डाउट? सो दिस इज ऑल अबाउट योर क्लासेस। थैंक यू।